नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। खबर हटा के साथ बने रहें। आज की दिनभर की विशेष खबरें देखें आप। दोनों आरक्षकों के सब पहुंचे दमोह। एसपी सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने नम आंखों से पुष्प चक्र और श्रद्धांजलि अर्पित की। संत नामदेव समाज ने संत नामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई। मर्यादो बस्ती के संकी रास्ते में आए दिन जाम के हालात, जननी वाहन भी फंसा। हटा में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी सालिग्राम विवाह, गन्ने की छांव में हुआ तुलसी विवाह। सतधरु परियोजना शुरू लेकिन बनी मुसीबत, घरों में घुस रहा पानी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन क्लिक के माध्यम से जिले की महाविद्यालय में प्रवेशित 59 लाड़ियों को प्रथम प्रोत्साहन राशि की हस्तांतरित। पिता की मृत्यु के बाद पिता की बीमा के पैसों के लिए दर दर भटक रहा पुत्र। बटियागढ़ बाईपास पर दमो आरटीओ के द्वारा ओवरलोडिंग डंपरों, बसों और बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। दोनों आरक्षकों के सब पहुंचे दमोह। एसपी सहित पुलिस अधिकारियों और कर्मियों ने नम आंखों से पुष्प चक्र और श्रद्धांजलि अर्पित की। दमोह। देर रात्रि हटा थाना क्षेत्र में कार में सवार 3 आरक्षक और 2 अन्य सिविल के लोग सड़क दुर्घटना की चपेट में आए थे, जिनमें 2 की इलाज के दौरान जबलपुर में मौत हो गई। वहीं आरक्षक सहित 3 लोगों का इलाज जारी है। दोनों आरक्षकों के शव जबलपुर से पोस्टमार्टम के बाद दमोह पुलिस लाइन आरक्षित केंद्र पहुंचे। वहां पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनिवार, एडिशनल SP शिव कुमार सिंह, SDOP हटा वीरेंद्र बहादुर, TI हटा HR पांडे, TI सत्येंद्र सिंह राजपूत, TI विजय सिंह राजपूत, थाना प्रभारी दमोह देहात अमित मिश्रा, सूबेदार अभिनव, यातायात थाना प्रभारी लाखन सिंह, सूबेदार भारती आर्य, शव इंस्पेक्टर RK द्विवेदी सहित और भी पुलिस अधिकारी और कर्मियों ने पूरे सम्मान के साथ पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस विभाग में आज शोक की लहर है। पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को सांत्वना देते हुए अपने आप को संभालने की बात कही और कहा कि दोनों आरक्षकों के सभी जनों के साथ दमोह पुलिस आपके साथ है। और राजेश शुक्ला, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और इनको इलाज हेतु हटा से दमोह और दमोह से जबलपुर रेफर किया गया था। जबलपुर इलाज के दौरान दोनों आरक्षक हो गई। इस घटना में एक आरक्षक और विमलेश और 2 जनता के आदमी और थे गाड़ी में, तो ये भी घायल हैं जो कि जिला चिकित्सालय में इलाजरत हैं। घटना की जैसे सूचना प्राप्त हुई, अविलंब थाना प्रभारी का SDOP घटा हॉस्पिटल पहुँच गए थे। प्रारंभिक उपचार भी करा दिया गया था और इनकी गंभीरता को देखते हुए इनको रेफर भी कर दिया गया था। चिकित्सा स्टाफ और पुलिस के द्वारा हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन 2 की चूंकि गंभीर चोट थी सिर में, इस कारण उनकी डेथ हो गई। इस प्रकार से इस घटना में, ये दुखद हादसे में पुलिस विभाग के 2 कर्मचारी जाने से पूरा पुलिस विभाग थोड़ा दुखी और मायूसी श्रद्धांजलि दी सर सभी ने। विभागीय जो परंपरा भी है कि अगर विभाग का कोई कर्मचारी जाता है तो सब सम्मान उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। जिला दमोह के सभी थाने में, सभी स्टाफ में जहाँ जहाँ पदस्थ है, प्रातः गणना में भी श्रद्धांजलि स्वरूप मौन 2 मिनट का रखा गया है। और आज पुलिस लाइट में जब उनका पोस्टमार्टम के बाद जब डेडबॉडी आई है तो यहाँ पर भी रख करके सभी कर्मचारी द्वारा कुछ जो है के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि। संत नामदेव समाज ने संत नामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाई। हटा नगर के रत्न बजरिया में स्थित नामदेव मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसका शुक्रवार को समापन होकर पूर्ण आहुति हुई। हवन पूजन प्रसाद वितरण के बाद नगर के मुख्य मार्गों से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। संत शिरोमणि नामदेव जी मंदिर से शोभा यात्रा शुरू होकर बड़ा बाजार, मंदिर मस्जिद चौराहा, राय चौराहा, तीनवती तिगड्डा से होकर पुनः नामदेव मंदिर में सम्पन्न हुई। शोभा यात्रा में स्वयं नवल किशोर भगवान का रथ पर गाजे बाजे के साथ DJ की धुन पर नाचते युवाओं के अलावा छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा गरबा नृत्य यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। आकर्षक का केंद्र सागर से आई शिव भक्त डमरू की टीम ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जो शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया एवं भगवान नवल किशोर का पूजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक, राजेंद्र सोनी, कैलाश ताम्रकार, ब्रजेश गुप्ता, राजू पांडे ने पुत्रीशाला स्कूल के पास स्वागत किया। कार्यक्रम में संपूर्ण नामदेव समाज की उपस्थिति रही। मर्यादो बस्ती के संकी रास्ते में आए दिन जाम के हालात, जन्नी वाहन भी फंसा।
उप तहसील मुख्यालय मर्यादो बस्ती के मुख्य मार्ग पर संकीर्ण रास्ते पर आए दिन जाम के हालात बनने से वाहन चालकों सहित आम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। भारी वाहनों के आमने सामने आने से बस्ती में दिन में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है, जिसमें कई आवश्यक सेवाओं के वाहन भी फंस जाते हैं। शुक्रवार दोपहर बस स्टैंड के पास भारी वाहनों की आवाजाही से जाम के हालात बन गए। जाम में जननी वाहन भी फंसा दिखाई दिया। कई बार ग्रामीणों द्वारा मांग किए जाने के बावजूद भी सड़क पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं की जा रही है। हटा में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी सालग्राम विवाह, गन्ने की छांव में हुआ तुलसी विवाह हटा। बुंदेलखंड के काशी हटा में देव प्रबोधनी एकादशी छोटी दिवाली के रूप में मनाया गया। नगर में सुबह से ही जगह जगह गन्ने की दुकानें लग गईं। तुलसी सालग्राम विवाह की रस्में गन्ने के नीचे की जाती हैं। लोगों ने गन्ने की खरीदी की और गन्ने के नीचे सालग्राम भगवान का पूजन कर मंत्रोच्चार के बीच तुलसी अर्पित कर दूध से अभिषेक कर प्रसाद वितरण किया। सोजरा ग्राम में चूल्हे नहीं जले, मीठा प्रसाद खाकर छोटी दिवाली मनाई। हटा अनुभाग के पटेरा विकास खंड के सोजरा ग्राम में देवउठनी 11 छोटी दिवाली अनूठे तरीके से मनाई जाती है। लगभग 2000 की आबादी के कृषि प्रधान ग्राम में लोग उपवास करते हैं। ग्राम के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। लोग केवल विभिन्न प्रकार की मिठाई खरीदकर भोग लगाते और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। मिठाई की दुकान हटा के नैमा समाज के चुनिंदा लोग ग्राम में जाकर लगाते हैं। कृषक मनोहर चौबे ने बताया कि ग्राम के बुजुर्ग मिठाई की दुकानों पर साथ में जाकर मिठाई का परीक्षा करते हैं और रेट तक कर देते हैं। ग्रामवासी इसी तय रेट पर मनपसंद मिठाई खरीदकर छोटी दिवाली मनाते। वर्तमान समय में जब मधुमेह की बीमारी के कारण लोग मीठा से परहेज कर रहे हैं, सोजना ग्राम के लोग पूरे दिन मीठा का ही सेवन कर अनूठे अंदाज में त्यौहार मनाते हैं। सतधरु परियोजना शुरू लेकिन बनी मुसीबत, घरों में घुसा रहा पानी, तेंदुखेड़ा। विकास के नाम पर गरीबों को कुचला जा रहा है। तेजी से विकास के पथ पर दौड़ता भारत बड़े गर्व की बात है, मगर यह देखना भी जरूरी होगा कि कहीं कोई गरीब विकास की बलि न चढ़ जाए। करोड़ों रुपए की लागत से चल रही परियोजना जो घर घर पानी पहुंचाने के उद्देश्य से ग्रामीण इलाकों में चल रही है, तेंदुखेड़ा जनपद की ग्राम पंचायत मोहरा के आश्रित ग्राम पट्टी में इस परियोजना के तहत एक पाइपलाइन डाली गई थी जो विगत 3 दिवस पहले लीक हो गई है। जहाँ पर 2 पाइपों के बीच बाल लगाते हैं, वहाँ से पानी बहुत बड़ी मात्रा में बह रहा है, जिसे रोकने अभी तक शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा। ग्राम पट्टी में जहां यह लाइन फूटी है, वहां से 2 घरों में सीधा पानी भर गया है। रोशन ठाकुर ने बताया कि 3 दिन पहले यह लाइन फूटी थी और मेरे एवं बाजू के घरों में पानी भर गया है। रोशन अहरवा बताते हैं कि पानी भरने से हमारे घरों में रखे अनाज एवं कपड़े पूरी तरह से गीले हो गए हैं और हमें बहुत परेशानी बनी हुई है। तेंदुखेड़ा से लक्ष्मण रैकवार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वन क्लिक के माध्यम से जिले की महाविद्यालय में प्रवेशित 59 लाड़लियों को प्रथम प्रोत्साहन राशि की हस्तांतरित। जिले की 8 लाड़लियों को किए गए प्रमाण पत्र वितरित। मानस भवन में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम देखा व सुना गया। जिले से 21 बालिका भोपाल के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षा योजना लाड़ी लक्ष्मी योजना 2.0 अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम मानस भवन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को देखा व सुना गया। साथ ही जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम एवं उद्बोधन प्रसारित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप राय ने बताया, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 2 नवम्बर को मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में लाड़ी लक्ष्मी 2.0 का शुभारम्भ हुआ। प्रत्येक जिले में 1 लाड़ली पथ 1 लाड़ली वाटिका का चयन किया गया। जिले में सेंट्रल स्कूल के पीछे विवेकानंद नगर में लाड़ली वाटिका एवं केएन कॉलेज से नवजागृत स्कूल तक लाड़ली पथ का जनप्रतिनिधियों एवं कलेक्टर ने लोकार्पण किया। साथ ही कार्यक्रम उपरांत वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने कहा, दोपहर 2:30 बजे से मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भोपाल रविंद्र भवन से प्रसारित हुआ, जिसके तहत लाड़ी लक्ष्मी योजना की जितनी बालिकाएं इस वर्ष महाविद्यालय में प्रवेश ली हैं, उनको प्रथम किस्त की राशि 12,500 रुपये मुख्यमंत्री जी द्वारा वन क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण की गई। इसके अलावा जब बालिका थर्ड ईयर में प्रवेश करेंगी तब 12,500 रुपये की राशि फिर से दी जाएगी। साथ ही आज लाड़ली लक्ष्मी पुस्तिका का विमोचन भी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया, जिसमें लाड़ी लक्ष्मी योजना प्रारंभ से आज लाड़ी लक्ष्मी 2.0 तक की कहानी विस्तार से बताई गई है। उन्होंने कहा, महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली बच्चियों में से दमोह जिले की 59 बच्चियां महाविद्यालय में प्रवेश लिया है, जिनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने 12,500 रुपये की राशि जमा की है। उन्होंने बताया, 59 बालिकाओं में से कुछ बालिकाएं अलग अलग कॉलेज इंदौर और दिल्ली में कोचिंग की तैयारी कर रही हैं। वास्तविक रूप से आज 21
बालिकाएं दमोह जिले से भोपाल के मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सुबह 6 बजे बस से रवाना की गईं। 21 बालिका वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर अपना चेक लेंगी। इन्हें वितरित किए गए प्रमाण पत्र इस अवसर पर जिले की 8 लाडलियों को अतिथियों द्वारा लाडलियों का फुल मालाओं से सम्मान कर उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए। इनमें नाविया वानो, लावण्या पटेरिया, प्रतिभा तिवारी, नाज खान, मुस्कान प्रजापति, कृतिका पटेल, केशर पटेल एवं अंबिका यादव शामिल हैं। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 1 से 7 नवंबर तक जो स्थापना दिवस के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसके अंतर्गत आज 2 नवंबर को महिला बाल विकास विभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में लाडली लक्ष्मी 2.0 का भोपाल से शुभारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत कई कार्यक्रम थे। प्रत्येक जिले में एक लाडली योजना, प्रत्येक जिले में एक लाडली पथ, प्रत्येक जिले में एक लाडली वाटिका का लोकार्पण होना था, जिसके तहत दमोह जिले में लाडली वाटिका सेंट्रल स्कूल के पीछे विवेकानंद नगर में उसका लोकार्पण हुआ, जहां नगर पालिका अध्यक्ष, विभिन्न जनप्रतिनिधि, भाजपा जिलाध्यक्ष, आदरणीय कलेक्टर महोदय सभी के हाथों वृक्षारोपण हुआ, जो लगभग 1900 स्क्वायर फीट का एरिया है जो लाडली वाटिका के रूप में चयनित किया गया। इसी क्रम में आगे जिले में केएन कॉलेज से नवजागृति स्कूल तक लाडली पथ का लोकार्पण हुआ, जो लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, उस पथ का नाम लाडली पथ दिया गया। उसके बाद 2:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य कार्यक्रम भोपाल रविंद्र भवन से प्रसारित हुआ, ये जो लाडली लक्ष्मी 2.0 आज प्रारंभ हुआ, जिसके तहत हमारी लाडली लक्ष्मी योजना की जितनी बालिकाएं इस वर्ष महाविद्यालय में प्रवेश ली हैं उनको प्रथम किस्त की राशि छात्रवृत्ति 12,500 रुपये की राशि आज प्रदान की गई। शेष 12,500 जब बालिका थर्ड ईयर में जाएगी अपने ग्रेजुएशन के, तब 12,500 रुपये की राशि दी जाएगी। और लाडली लक्ष्मी पुस्तिका का विमोचन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया, जिसमें लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ से आज दिनांक लाडली लक्ष्मी 2.0 तक की पूरी कहानी विस्तार से बताई गई है। इसी अवसर पर इसी क्रम में आज अभिमानस भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष, आदरणीय कलेक्टर महोदय, CO सर के द्वारा 12 बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली बच्चियों में से दमोह जिले की 59 बच्चियाँ 59 महाविद्यालय में प्रवेश लिए हैं, जिनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12,500 की राशि जमा की है। और इसमें एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि 59 बच्चियों में कुछ बच्चियाँ अलग अलग कॉलेज में इंदौर, दिल्ली कोचिंग की तैयारी कर रही हैं, तो वास्तविक रूप से आज 21 बालिकाएँ दमोह जिले से भोपाल मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित होने भी सुबह 6 बजे हम लोगों ने बस से रवाना किया। पिता की मृत्यु के बाद पिता की बीमा के पैसों के लिए दर दर भटक रहा पुत्र। मामला ग्राम पंचायत तेजगढ़ जिला दमोह का है, जहां पर प्रकाश पांडे नाम के व्यक्ति का खाता जिला सहकारिता बैंक था। जब बैंक में खाता था तो स्वाभाविक सी बात है प्रधानमंत्री जीवन बीमा भी था, लेकिन अब प्रकाश पांडे जी की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के लिए करीब 3 महीने हो गए हैं, लेकिन इनको अभी तक प्रधानमंत्री जीवन बीमा का पैसा अभी तक नहीं मिला है। इनके पुत्र का कहना है कि हमने पिताजी के सभी कागजात बैंक को दिए हैं, लेकिन बैंक वालों का कहना है कि ये काम हम लोगों का नहीं है, ये काम बीमा कंपनी का है। अब गरीब आदमी बीमा कंपनी कहाँ से जाए, जब बैंक ने बीमा किया तो उस बीमा का पैसा भी बैंक को ही जल्द से जल्द दिलवाना चाहिए, जिससे सरकार की इन योजनाओं से लोगों को विश्वास ना उठे। हमारे लिए परेशानी यह है, जिला सहकारी बैंक कोऑपरेटर बैंक में पिताजी का 12 रुपया बीमा था प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल केस, तो वो पिताजी की सांप काटने से मृत्यु हुई थी। कब हुई है? ये हुई थी 30 तारीख को, आज से 3 महीने पहले। तो मैंने बैंक में सब डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए हैं, बैंक वाले बोल रहे आप इस ऑफिस जाओ उस ऑफिस जाओ, एक कंपनी का काम है, मेरा काम नहीं है। अब कंपनी साहब लोग बोल रहे बैंक के कि ये हमारा काम नहीं है, वो तो कंपनी का काम है, हम अपनी तरफ से तो सब कर चुके, हम कहाँ भटकें, इधर जाएँ कि उधर जाएँ, कहाँ कहाँ जाएँ, हमें कोई उसका रिजल्ट ही पता नहीं पड़ रहा अभी तक। ये है पिताजी की पासबुक, हम अकेले कहाँ पर भटकें।
हम और क्या करें, परिवार में हम अकेले बड़े हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि 12 रुपया बीमा था जिसमें 2 लाख की राशि मिलती है, तो सरासर सांप काटने से मृत्यु हुई, लेकिन अभी तक कुछ उसका निराकरण हुआ नहीं। और प्रधानमंत्री बीमा है तो वो 181 लगाया था, तो वो कहते हैं हमारे पास तो कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं, वैसे तो नहीं है। बटियागढ़ बाईपास पर दमोह आरटीओ के द्वारा ओवरलोडिंग डंपरों, बसों और बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई। बटियागढ़ थाना के बटियागढ़ बक्सवा मार्ग बाईपास पर दमोह आरटीओ के द्वारा ओवरलोडिंग डंपरों, बसों में 30 से अधिक सवारी बैठाने और बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्रवाई, जिसमें जिला परिवहन अधिकारी क्षितिज सोनी के द्वारा चालानी कार्रवाई के दौरान ओवरलोडिंग डंपरों और बसों में 30 से अधिक सवारी बैठाने को लेकर बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 50,000 का चालान वसूला गया। बटियागढ़ से संतोष सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बेसिकली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर हेलमेट का जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, प्रदेश में पुलिस परिवहन सभी विभाग चला रहे हैं, तो उसी क्रम में आज विशेष चेकिंग लगाई गई है। ओवरलोडिंग के विरुद्ध भी विगत 3 दिवस से सघन कार्रवाई चल रही है। अभी तक करीब 50,000 के चालान काटे जा चुके हैं पिछले 3-4 दिनों में। आज भी कार्रवाई जारी है और बसों में कुछ अधिक किराया लेने, सवारियों से जो ज़्यादा किराया लेते हैं उनके संबंध में शिकायतें मिली थी, बटियागढ़ में मिली थी, उसमें भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। ज़्यादा यात्री बसों में नहीं ले जाएँ, किराया सूची लगाएं, इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जो भी उल्लंघन उसमें कार्रवाई की जा रही है। खबर हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें, घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712।